में मारा, उसने मेरे को, इसलिए ये निकाल के मार दी है। तो फिर ये मेरे को कहता है तू ऐसे, तू लोगों को बताती है, मैं किसको बताऊँ। महिला प्रताड़ित होती है, इतनी वृद्ध महिला, और जब आसपास में अपना दुख दर्द बताती है तो इनको इस बात पर घर में और भी ज़्यादा मारा पीटा जाता है, और भी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। जान मुझके चीज़ें तोड़ते हैं, नल का खुला छोड़ देते हैं, बिजली के पंखे खुले छोड़ देते हैं, मैं नहीं भर सकता। तो क्या हो गया, परिवार में इतने लोग हैं, कोई भी बंद कर देगा? भर सकता मैं बिजली के बिल फालतू के नहीं भर सकता, ये जानबूझ के नुकसान कर रहे हैं। खड़ा हुआ तो था, कुत्ते ने खराब कर दिया, मेरे को कहते ले कम, फिर भी मैंने बोला ले आऊंगी, ऐसे कोई चीज खराब नहीं। पैदा मैंने किया है, पेंशन मांगी, क्या किया है मैंने, अभी आपने मीडिया मैंने पैदा किया है, ये बताइए मुझे, इतनी अच्छाई थी आप में, अभी तो बड़े बड़े शब्दों में, अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो मैं अपने घर लेके जाऊंगी। अब बस ठीक है, जो कहीं भी गिर जावे जाकर मेरा नाम लगा दे, जो हर चीज में मेरा नाम लगा दे, जो 12 साल से मेरे पीछे पड़े, तुम्हें पता ना? मुझे लात मारी तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना है कि हम ये दोनों जो है लड़ती रहती है, गाली गलौज चलता रहता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं रोज मारती है, आज क्या रोज मारती है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। आज समाज में रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं और किस हद तक बिगड़ते चले जा रहे हैं ये आपको यहां पर आज दिखाने की कोशिश करेंगे। एक यहां पर बुजुर्ग महिला हैं जिनके साथ लगातार उनके घर में अत्याचार हो रहा है, और इन माताजी का उम्र और इनके शरीर पर लगी चोटों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी इनके साथ ये बिता रही हैं अपनी ज़िंदगी। और इसमें इनकी जो है बहू ये अत्याचार सब कर रही है, इन माताजी का कहना है। इसके रहते इन माताजी ने जब अपने आस पड़ोस से बात करी तो ये सुनीता शर्मा जी हैं, इन्होंने इसमें हस्तक्षेप करते हुए समझाने की कोशिश करी, और ये इनके बेटे हैं मिस्टर राजीव। और यहाँ पर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो है सीनियर लीडर नरेश कुमार जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और युवा मोर्चा के पवन शुक्ला जी हैं, दीपक भाई हैं, और सभी यहाँ पर समाज की महिलाएं हैं। तो इन भाई को जो है राजीव जी को समझाने की कोशिश करी, इन भाई को समझाने की कोशिश करी, और पिछले एक घंटे से इनको लगातार समझा रहे थे। ये शायद डोमिनोज में काम कर रहे हैं, उठ करके चले गए कि मैं घर पर कपड़े बदल करके आ रहा हूँ कहीं कंपनी बदनाम ना हो जाए। इन्हें कंपनी की बदनामी की चिंता है, अपनी पत्नी की चिंता है, लेकिन ये एक माँ बैठी है और ये जो है समाज की महिलाएं हैं, हर आदमी को सामने मारा, उसने मेरे को, इसलिए ये निकाल के मार दी है। तो फिर ये मेरे को कहता है तू ऐसे, तू लोगों को बताती है, मैं किसको बताऊँ, मेरे को चोट लगेगी तो बताऊंगी नहीं। आप देख सकते हैं कि पूरे शरीर पर किस तरह की हालत है, जब ये महिला प्रताड़ित होती है, इतनी वृद्ध महिला, और जब आसपास में अपना दुख दर्द बताती है तो इनको इस बात पर घर में और भी ज़्यादा मारा पीटा जाता है, और भी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इनकी बगल में ही, इनकी उम्र के ही लगभग एक माताजी बैठी हैं, इनकी हालत देखिए, और इनका मतलब क्या समाज में ये किस तरह का जो है चल रहा है। एक बेटा जो है अपनी पत्नी से आखिर इतना क्यों डरता है, उसे अपनी पत्नी की चिंता है, अपनी बेटी की चिंता है, लेकिन अपनी माँ की चिंता नहीं है। उसका कहना है कि हम दो भाई हैं और हम दोनों पर इस माँ की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो ये आप देखें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले एक डेढ़ घंटे से नरेश सर हैं हमारे साथ, समझाने की कोशिश करी, यहाँ पे समाज के सभी लोग बैठे थे, लेकिन इस भाई के जो राजीव है, इनका बेटा जो है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, और केवल अपनी ही बातें ऊपर किए जा रहा है कि ऐसा वैसा, मैं इतने सालों से समझा रहा हूँ, जब समझा रहा है तो फ़र्क क्या पड़ रहा है। और इसका कहना है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कानून कुछ नहीं कर सकता, समाज के ये लोग क्या कर लेंगे। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है, इन सब बातों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले एक घंटे से आप समझा रहे हैं? रूप भाई, आपने और व्यास जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समाज का इस तरीके का चेहरा भी हमें देखने को मिल रहा है। एक बेटा वो ये कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसे अपनी वाइफ की इतनी चिंता है, वो कंपनी की ड्रेस क्यों पहन के इतनी चिंता कर रहा था, मेरी कंपनी बदनाम हो जाए। घर में वो कुत्ता पाल सकता है, वो अपनी माँ को नहीं पाल सकता। मुझे लगता है इससे घृणित कार्य कोई इस परिवार में अगर कर रहा है तो ये बेटा बहू कर रहे हैं।
मैं इसके बिल्कुल खिलाफ और माता जी के साथ हम देंगे और माता जी के मैं अभी कानूनी कार्रवाई कराऊंगा, इनके MLC कराऊंगा और इसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। बहुत बढ़िया स्टेप आप उठा रहे हैं, क्योंकि राजीव का कहना है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, इतना बेखौफ हो रखा है वो समाज से, कानून से, और जो है किसी को कुछ समझ नहीं रहा, उसको बस यही है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ और जो मैंने सब कुछ कर लिया है। तो ये आप हालात देख सकते हैं। माता जी, आप बहन जी, आप साहब इधर भी सुन लो ना, आधुनिक खबर क्यों लगा रहे हो, इतनी बेईमानी का झंडा क्यों कर रहे हो? ये हाँ लाओ यहाँ पे, हाँ लाओ लाओ ना, छोड़ो ना, माइक को नहीं पकड़, चलो ठीक है। हाँ आप सबको मैंने एक बार बता दी, मैं बता तो रहा हूँ, वही तो बता, शुरू से सुनो ना, ऐसे मसालेदार खबर मत बनाओ। हाँ मसालेदार है, सच्चाई डालनी है बिल्कुल डालो, मैं तैयार हूँ मीडिया में, मैं तैयार हूँ सच्चाई के लिए, और सच्चाई से जो आएगा मैं बिल्कुल जायज मानूंगा। अब मैं कहता हूँ, रुक जाइए नरेश जी, एक मिनट रुकिए, जो आज हर किसी को ये जख्म दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, पर इन जख्मों का रीजन क्या है? कुछ इनका व्यवहार रहा, इनकी बोली रही, घर का नुकसान रहा, आपस का भेदभाव रहा, आज इनको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये इन वजह से बुजुर्ग व्यक्ति को मारा जाएगा परिवार में। मारा क्या, लड़ाई तो दोनों में हो रही है, चोट है उसकी भी आ रही है, आपकी पत्नी आ रही है, मैंने बहुत बता दिया उसको, ठीक है। पर मैं इतना जानता हूँ कि सलूशन के लिए ना दो इंसानों को एक होना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि एक इंसान को सुधरेगा और दूसरा कुछ भी करे उसको छूटे क्यों, क्योंकि वो बुजुर्ग है, तो मैं उसमें साफ कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तब कुछ कर सकता हूँ जब दोनों इंसान मेरी बात माने, जब मैं दोनों में आपस में भेदभाव मान लीजिए आपकी बात। पर अभी इन्होंने कहा कि भाटिया जी कह रहे हैं कि इनको कोई खौफ, खौफ मुझे भगवान का है कि अगर मैं गलत काम करूँ मैं भुगतूंगा, पर मुझे किसी इंसान का खौफ नहीं है क्योंकि इंसान मेरा कोई बिगाड़ लेगा, मुझे किसी इंसान का कोई खौफ नहीं है। ये मीडिया वाले सामने आके कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तब मैंने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब ये मेरे बात नहीं मान रहे, वो बात नहीं मान रहे, वो अपनी मन की कर रही है, ये अपनी मन की कर रहे हैं, तो मेरा क्या रोल है? कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी माँ के प्रति, आपकी माँ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने दोनों को एक दूसरे को हाथ चलाते देखा है, मैंने दोनों को देखा है, फर्क इतना है कि एक 36 साल की लेडीज है और एक 70 साल की लेडीज है। अब आप समझ लीजिए जब 70 साल की और 36 साल की लेडीज में झगड़ा होगा तो जख्म किसके ज्यादा आएंगे, किसको चोट ज्यादा आएगी, ये आप पता करिए, ये मीडिया पता करे, ये नरेश जी पता करे, और रेफरी वाली, वो कर ले। मैं बेटा हूँ पर मैं पति भी हूँ, मैं दोनों रोल निभाऊंगा, मैं एक रोल नहीं निभा सकता। जब एक एक ने मुझे पैदा किया है तो एक मेरे लिए पैदा होके आई है, एक अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे घर आई है, तो एक माँ मेरे लिए बैठी है जिसने मुझे पैदा किया, मुझे पाला पोसा सब कुछ किया, तो मेरी जिम्मेदारी दोनों की तरफ बराबर है। अब सवाल ये आता है कि ज़्यादा किसकी तरफ है, तो दोनों की तरफ बराबर है, एक तरफ बराबर नहीं है, पर जो गलत होगा वो गलत होगा और जो सही होगा वो सही होगा। माता जी आपको कब मारा गया था? इनके सामने मार रही थी सामने, कल तो सामने मारा रो मारते हैं ना, कहते तू जानो जाने, मतलब कोई मतलब नहीं लिया इन्होंने, नहीं कहते तू जानो जाने, मैं इनको कहती हूँ मुझे नहीं पता तू जानो जाने, मुझे नहीं पता, मैंने पैसों के लिए बोला, मेरे 500 रुपए उसने ले लिए वो भी नहीं दिलाए, आपसे 500 रुपए ले लिए वो भी नहीं मिले आपको, वो भी नहीं मिले। पेंशन के पैसे कौन लेता है? ये कुछ ये लेते हैं, कल उसने 500 मेरे को बोली वापस ले, मैंने कहा सुबह लाऊंगी, मेरे बटुए में जितने पैसे थे सारे ले लिए, फिर क्या कहते लेके दिखा, मैं नहीं दूंगी। अब क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहती हूँ मेरे पैसे दे और मेरे को कहीं वहाँ भेज दो आश्रम में, मैं ये चाहती हूँ, वो तो मुझे मारेगी, रोज मारेगी, ऐसे में मर जाऊंगी या बड़ी पड़ी। एक कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए, इतना समाज में इस तरह का खौफनाक चेहरा देखने को सामने आ रहा है, ऐसी बातों को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, अब ये बार बार आती हैं, क्या बोले, अब ये मदद करती है बहू है, आकर के बताते हैं लोग, आपको आकर के बताते हैं, आपको क्या बताती हैं? बस यही बताती, इसके पास आती मैं तो वहाँ बैठी रहती हूँ दुकान में, तो यही बताती है मारी है बहू ने, लड़का कुछ बोलता नहीं, अंदर लेटा रहता है, और कुत्ता का लैट्रिन क्यों नहीं उठाया, कुत्ता का लैट्रिन क्यों तोड़ दिया, ये अभी लाओ, बारिश हो रही, इतनी रात हो गई, अभी कहाँ जाए लाने के लिए, बताओ। तो ये कहता है, बात है।
यही है जी जो अभी नरेश सर ने कहा कि इनकी MLC करवाइए और इन पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इनकी जो बहस है वो इतनी लंबी है कि आप बहस के अंदर ही उलझ के रह जाओगे। इनके साथ जो कंडीशन है वो वैसी एज इट इज़ बनी रहेगी, उसके अंदर कोई सुधार नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इनको प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप लोग चले जाओगे, हम लोग चले जाएंगे, ये फिर वही कंडीशन है, फिर वो मारेगी, और वो चीज़ मेरे से नहीं देखी जा रही। अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो इन्हें मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं इतना इनको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ कि जहाँ हम चार लोग रोटी खाते हैं वहाँ एक ये भी खाएंगी। दीपक शर्मा जी, आप? मैं चाहता हूँ ये माता जी को इंसाफ मिले और जो इनके साथ हो रहा है ये आगे से ना हो। क्या कह रहे हैं? बैग लियाओ, मतलब तुम अपनी जिम्मेदारियां कुछ नहीं माना चाहते हो? जब ये नहीं मानेंगे तो मैं कैसे मानूंगा? बेटे नहीं हो आप उसके? जब वो नहीं मानेंगे तो क्या कर लूंगा? मान रही है वो, जो मान रही है तुम्हारी वाइफ मान रही है? तब फिर बताओ मेरे को जरा, तुम्हारी वाइफ आपकी आपकी वो मान रही है? वो मान रही है? वो मान रही है? क्या मान रही है? उसको भी बुला लो, उनको बुलाओ आप, उनको अपनी वाइफ को बुलवाओ आप, बुला ले यार, खत्म कर कहानी को, इसको बुलवाओ, उनसे भी बात करते हैं ना। मैं नरेश जी सोल्यूशन चाहता हूँ, मैं सोल्यूशन चाहता हूँ, ये इस सोल्यूशन में चोट के निशान है, खाम खाम लग, मैं सोल्यूशन चाहता हूँ नरेश जी, मैं आना चाहता हूँ, आप अंदर जाओगे? आना चाहता हूँ जी, MNC बुलाओ, बुलाओ, सब कुछ हो गया भाई साहब, बिल्कुल करो भाई साहब। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजीव भाटिया जी, और मैं इसलिए नहीं कर सकता भाटिया जी की जुबानी, क्योंकि ये जान मुझके चीजें तोड़ते हैं, नलका खुला छोड़ देते हैं, बिजली के पंखे खुले छोड़ देते हैं, मैं नहीं भर सकता। तो क्या हो गया? परिवार में इतने लोग हैं, कोई भी बंद कर देगा? भर सकता मैं बिजली के बिल फालतू के? नहीं भर सकता, ये जानबूझ के नुकसान कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है, किसी से कोई नुकसान? आपके बातों का कोई, अरे नहीं, एक बार की बात नहीं है, बातों का कोई जवाब है, 100 बार की बात है, बात सही है, बाकी सब बेवकूफ है, सब बेवकूफ है, सब समाज ऐसे ही चल रहा है। नीचे का टुकड़ा वो गला हुआ तो था, कुत्ते ने खराब कर दिया, मेरे को कहते लेके, फिर भी मैंने बोला ले आऊंगी, ऐसे कोई चीज खराब होती है? अब पुरानी चीजें तो खराब तो होंगी, मेरे से मंगा ले, फिर भी मैं ला देती हूँ, पैसे तो खुद ले लेते हैं, मैं रोटी कहाँ से खाऊं? मेरे पास एक बात बता दो, जब पेंशन हम ले लेते हैं तो ये सामान कहाँ से लाते हैं फिर? अब यही बता दो, चलो इनके पास कोई जरिया है नहीं पैसे का, बताओ ये सामान भी लाते हैं? आज कभी ब्रेड खाती हूँ, कभी कुछ खाती हूँ, बता दो, कभी कुछ खाती हूँ, नहीं पेंशन तो आप हमें देते हो, तो सामान कहाँ से लाते हो? तो मेरे को 500 पकड़ा देते हो, उसी में जैसे अपना 500 में क्या क्या बनवा लेते हैं, कहाँ कहाँ से खट्टा करती हूँ मैं लोगों से, ले लेके किस किस से लिया? ठीक है, चलो अभी कोशिश करते हैं, अगर इनकी मैसेज आती है तो उनसे भी बात करते हैं। सामने पेंशन ये 2,500 पेंशन छीन ली, कभी कोई पकड़ा देता, कभी कोई पकड़ा देता, छीन लिया, कटोरा लेने के लिए भेजा था, धक्का मार के बाहर निकाले, दुकान तक आई उसी देर में पर्स निकाल लिया। अभी कह रहा हूँ अब अंदर नहीं जा सकती ये, मैं अभी कह रहा हूँ अब ये अंदर नहीं जा सकती, अब ये इन महिला के साथ जाएंगी, इनके घर ही रहेंगी, जब तक कोर्ट का केस चलेगा, जो भी चलेगा, इसी महिला के घर रहेंगी, बात खत्म। पैदा मैंने किया है, पेंशन मांगी, क्या किया है मैंने? अभी आपने मीडिया, मैंने पैदा किया है, ये बताइए मुझे, बस इतनी अच्छाई थी आप में, अभी तो बड़े बड़े शब्दों में, अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो मैं अपने घर लेके जाऊंगी, अब बस सोल्यूशन नहीं निकलता तो बोला है ना, वाइफ को सजा होती है तो इसको मैं रखूंगी, और बोलो सजा होगी, गलाऊ मैं पहले, मुझे अगर उन्हें सजा होगी तो मैं ही मैं लूंगा, फिर उसके बाद वो लेगी, अगर उन्हें सजा होगी इतनी चोट जितनी इनके है ना उतनी चोट उसे लगेगी। चलो, तो चलो, मैं चलो, चलो, मैंने चलो, दिखा दिया, चलो मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैंने कोई मैंने किया है अगर ये, पर माँ का तो मैं तभी कर सकता हूँ ना, जब मेरी माँ मेरी मानेगी, जब मेरी माँ जानबूझ के गलत काम करेगी, चीजों का नुकसान करेगी, मोटर खुली छोड़ देगी, मोटर में मकान मालिक को बुलाऊंगा, और मकान मालिक बताएगा कि कितनी बार मोटर खुली मिली है, मकान मालिक खुद बताएगा ये बार, और किसकी प्रेजेंट में हुई है ये भी दिखाएगा, जवान आदमी भूल जाता है। हमने इधर कितनी बारी कहने भाई चलो इनसे, अब देखो सबका होता है, आलो कमरे दिलवा दे भाई, नहीं बनती है असम के बुढ़ा बुढ़ी ऐसे ही रहती है, मैंने उस दिन यही करी थी, हम कर देंगे, चलो भाई हम अपनी बेटी का हिसाब से हम कर देंगे। ये इन माता जी की जो है समदन है वो यहाँ पे इस समय मौजूद है, अभी आ चुकी है, और खुद इनके जो माता जी के जो बेटे हैं उन्होंने भी बताया कि जो है माता जी ने बताया कि जो इनकी जो समदन है वो आई जब इन सब बातों को सुन करके, तो उन्होंने खुद अपने बेटे को समझाया था
और एक बड़ी बात है कि आज फिर इस स्थिति में यहाँ पर ये पहुँची हैं और कह रही हैं कि अगर ये नहीं रख सकते तो मैं खुद अपने साथ रखने को तैयार हूँ। नमस्कार माता जी। हाँ, ये अब पूरा मामला समाज में फैल चुका है और आप जो है बिल्कुल माता जी के फेवर की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं आपके साथ दूंगी, मैं ये क्या करूँगी, आप मत टेंशन को, मेरी लड़की नहीं करेगी तो मैं करूँगी, ठीक है माता जी? ऐसे वैसे होना तो नहीं चाहिए, आप भी एक महिला हैं। कोई बात नहीं, बेटा तो है ना, आपके वो बेटे दो दो बेटे हैं इनका, ऐसी बात नहीं है, दो दो बेटे, चाचा भी है इसका, पूरा परिवार है, फिर ये अकेली नहीं है। नहीं, अकेले नहीं है, ठीक है। तो फिर आप ये बताओ ना, पालने का टाइम है। एक बड़ी बात है कि आप बुजुर्ग आदमी, देखो आप इतने बुढ़ा बुढ़ी है, आज दुनिया ऐसे दुखी है, पर हम क्या कर सकते हैं? आप क्या करोगे बताओ? ये सामने तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमारी लड़कियाँ पहला मैंने पूछी थी, बताई नहीं, मैं इसलिए गलती हम मान रहे हैं, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम करेंगे इनकी बस। अब आपकी जो लड़की है उन्होंने इस तरीके का ये हाल कर रखा है। कोई बात नहीं, लड़की भी अब लड़की नहीं बुला देंगे हम, कोई बात नहीं, लड़की भी नहीं बोलेगी हम, ठीक है, ये भी हमारे वो कर दो, हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपनी लड़की ने समझा देंगे। हाँ जी, वो कहती है कि अगर आपके जाएगी तो वो फिर मारेगी। नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगी, मैं हूँ ना, आप मेरे साथ में हूँ ना, मैं आप बता देना भी सकते। आपके जवाई खुद कह रहे हैं कि, और ये खुद है, ये तो है ना, दूसरा भी है, ऐसी बात नहीं है। मुझे कह रही है पिछली बार गई होगी आपके, तब उसने मैंने बता दिया, बहुत मारा मेरी माँ के घर। तो मैं खुले से लेके जा रही हूँ ना, अब तो मैं खुले से लेके जा रही हूँ ना, अब मैं कह के लेके जा रही हूँ, अब कोई कह नहीं है, नहीं बंदा मिलेगा, जब मैं कह के लेके जा रही हूँ आपका, मैं करूँगी आपका सारा, बस बस कोई बात नहीं, फिर मैं करूँगी ना आपकी, आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, ना बनती आप मत करो ऐसा, अगर अलग कमरा दिला दूंगी। आश्रम में आप अपनी बेटी को बुला लो, क्यों, अब देखो लड़की को बुला लो, सामने बात हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी, मैं उनसे भी करा देती हूँ, आ रहे बेटी को लेके आ रहे, ठीक है, जो कहीं भी गिर जावे जाकर मेरा नाम लगा दे, जो हर चीज में मेरा नाम लगा दे, जो 12 साल से मेरे पीछे पड़े, तुम्हें पता ना, मैं तो बता दिया है, तुम्हें पता ना 12 साल में कुछ घर में कुछ भी हो मेरा नाम लगा दे एक ही बार में, जिस दिन से मैं घर में आई उस दिन से मेरे पीछे पड़ गए, हाथ धो गए, मतलब मैं लेट ले, ले, मैं अपना भाऊ हूँ तो मैं गलत हूँ, और यो सास तो सही है, मैं कह रही हूँ अगर आपको मेरी बात गलत लगती है ना तो आप इसके बड़े बेटे को बुलाओ, इसके उसको बुलाओ, देवर को बुलाओ, और उनसे पूछो कि ये कैसी है, उनसे पूछो ये कैसी है, कोई भी बंदा फोन आप उनको लीजिए। हेलो बहन जी, आपने एक सिरे से निकाल दिया, आप नहीं मारते, आप संस्कार, मैं नहीं मारती थी, मैं नहीं मारती, क्यों मारती, जैसे आपके इधर लाइन को ये दोनों लड़कियां, मैं लोग नहीं कर सकता, मेरे हस्बैंड को पता है कि हमारी सुतुने में होती है, बहुत होती है सुतुने में, मैंने, उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि आप मारते हो, अरे मैं क्यों मारूंगी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमारे वो आपस में लड़ते हैं, आपस में हाथापाई होती है, मतलब हाथापाई क्या कहते हैं, आपस में कीना झपटी होता है, डंडा मारा है, चप्पल मारी है, नहीं नहीं वो मैंने कब कहा डंडा मारा है, थप्पड़ मारा है, चप्पल मारा है, मारने का मतलब क्या होता है, वो ये खींचा चपटी खींचा खता नहीं है? जो आपस में ये मेरे को लात मार देती है, हाथ मार देती है, मैं वो तो बता रहा हूँ, अगर मैंने बता दी कैसे पकड़ लूं, वो बात मैंने पहले ही बता दी, बता दी मेरे को लात मार दी तो कोई नहीं देखेगा कि भाई गुड़िया ने लात मारी है, भाई मैं बहू हूँ, कभी अभी ये तो दिख जाता है बहू है, ठीक है, मैं कह रही कोई भी बंदा इसके हाउस में खड़ा कर दे, मैं तो किसी मोहल्ले में किसी से बात नहीं करती ना, आज तक 12 साल हो गए बोलने में, ये पूछ के बताओ कि मैंने कभी किसी घर किसी के बारे में जाके बोला हो, मैं अपने ऑफिस से आती हूँ और ऑफिस से जाती हूँ, आके काम करती हूँ, पहले दुकान थी, पहले दुकान देखती थी 11:30 बजे तक, ठीक है, मैं इनको रोटी बना के देती थी पहले, तो पता ही कहती थी मेरी माँ को, उसने खुद बोला कि ये हमें रोटी नहीं देती, भूखा मार देती है, मतलब मैं रोटी ना दूँ तो भी मेरी बुराई करेगी, मैं रोटी बना के दूंगी तो भी मेरी बुराई करेगी। माता जी ने भी एक इंसानियत वाली बात बोली कि भाई मेरी बेटी अगर ठीक से आपको नहीं देख रही तो मैं रखने को तैयार हूँ, तो मेरी माँ क्यों रखेगी, एक बात बता, मेरी माँ ने उन्होंने इंसानियत वाली, सोचो मेरी माँ ने मुझे क्या गलत वो दिए होंगे, मेरी माँ ऐसे, तो मेरी माँ ने गलत वो दिए होंगे, क्योंकि जाके बूढ़े बुजुर्गों के साथ ऐसे करो, अब बता रहे की वो बुजुर्ग है मैं पकड़ लेती तो इसलिए, तो वही तो कह रही, इसने मुझे लात मारी तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना है कि हम ये दोनों जो है लड़ती रहती है, गाली गलौज पर चलता रहता है, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं उसको भी समझाता हूँ, मैं इसको भी समझाता हूँ कि ये तेरी बहू है, इसको तेरे साथ रहना है, तू इसकी सास है, इसको तेरे साथ रहना है, तू इसके साथ रहना है, ये मुझे ये शुरू से यही समझाते हैं, इसको भी ये शुरू से यही समझाते हैं, बट इसको शुरू से एक ही खटक है कि ये यहाँ से निकल जाए, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो कैसे कोई निकल, मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, ये बातें पूछो तो सही आप, मैं कह रही हूँ मेरे उनके देवर को बुला लो, मेरे उसको बुला लो, आप बताओ इन्होंने मारा है आपको,
हाँ मारे अभी जो आपको निशान रोज मारती है, आज क्या रोज मारी है बात भी मैं बताती हूँ किस किस पे मारा है। कहते तवा क्यों लिया मेरा, तो मेरी चीज है तू क्यों हाथ लगाते, मारना शुरू कर दिया। और उस दिन पता क्या बात थी, तो मारना शुरू कर दिया, रोज मारती अब तो रोज मारती है। मैं मुँह पे कहती हूँ ऐसे कहते नहीं मारे। हाँ कभी पानी में भी एक डोली सी है उसमें से, कहते थे डोली में तो था नहीं, मेरी बाल्टी में से क्यों पानी लिया। जो पानी निकलवाती है टंकी में से, हाँ वो तो ऊपर भेजती है, कहते पानी भर के आ टंकी। रुकना बोलने का, बैठो बोलने दो चुपटी ना। अब उनको बोलने पानी क्यों निकालने जाते, बात तभी समझ में आएगी। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मारेगी, कहते तू पानी नहीं देती, नहाने नहीं देती, ना कपड़े धोने, आज दो दिन हो गए मैं नहाई नहीं घर में। टंकी में से पानी निकालते हो, कोई बोलता नहीं है आपको? नहीं वैसे ही वो हमारे साथ वाली टंकी है। कभी कभी कोई हमारी टंकी से निकालता है? निकाल तो मुझे कोई देखती थोड़ा निकालता, नहीं निकालता। वो तो कह रहा हूं अब भराती हूं तो मैं तो भराती हूं, मुझे तो कोई से निकाला नहीं निकाला। अच्छा अब ठीक है, अब आओ इधर लाओ थोड़ा सा मेरे पे लाओ, ठीक है। अच्छा जी, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, जब शोभा अपनी मम्मी के घर पे थी, आपने कहा आपकी इच्छा नहीं है कि ये घर से भाग जाए, आपकी इच्छा नहीं है ना? मैंने क्यों नहीं इच्छा, मैंने मना किया था आपने? नहीं मैंने पूछा आपकी इच्छा है ये घर पे रहे या ना रहे? रहे, मैं तो मना कि मत रहे। ठीक है अच्छा, अब आप बताओ कि जब ये मेरी बेटी पैदा हुई थी और 10 दिन के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी, वो अस्पताल में तो भागे सच्चाई से, तो सच्चाई पे आओ ना, सच्चाई। रुक जाओ। हाँ जी, तो उस समय अस्पताल में कितनी बार तुम अपनी बहू से और अपनी पोती से मिलने गए? एक दो बार आई थी अंकल के उसके पापा के साथ, मैं एक बार आए थे, ठीक है, आई थी और 10 दिन में एक बार आए थे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। अकेले रोहतक जा सकते हो, पानी पर जा सकते हो, चलो ठीक है, ठीक है। पहली बात, दूसरी बात, जब ये अपनी मम्मी के घर में 6 महीने रही थी, जब उसका क्या कहते हैं, क्या होता जी, क्या निकालते हैं? हाथ खड़े कर दिए थे। अरे नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद क्या होता है, मैं भूल गया, जापा। जब 6 महीने के लिए, 6 महीने के जापे में कितनी बार अपनी बहू से मिलने गए थे? मुझे याद है, उसको पसंद ही नहीं है पहले। अच्छा उससे आगे, अब रुक जा, अभी एक और बात आई। जब मेरा बेटा मरा था, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था, वो मरा था, इसकी कोर्ट में बीमार हो गया था, तो तुमने उस समय इसको क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था अच्छा हुआ तेरा बेटा मर गया। अगर माता रानी की 100 खा ले, अपने भाई की 100 खा लो, और मैं अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के गलो खाता हूँ, इनकी वजह थी अच्छा हुआ तेरी औलाद मर गई। नफरत वहां से उठी है, नफरत यहाँ से उठी, जब किसी माँ का बेटा मरता है ना, ये सभी औरतें हैं जिसकी औलाद मरती है उसको पता लगता है दर्द क्या होता है। और एक औरत के मुंह पे तुम कह रहे हो अच्छा हुआ तेरी औलाद मरी ना, बोर्ड बजाया ये हर कोई स्वीकार कर लेगा इस बात को, कह दिया होगा, इसमें क्या हो गया, थोड़ा हो जाता है। आज सच्ची है, जख्म मार दिए, खुरेद दिए, आज सच्ची है। आप लेके नहीं जाओगे, आज एमएनसी होगी, आज थाना का केस बनेगा, वकील आ गए बनाओ केस, नहीं जाएगी ये, हम जी रखेंगे जी, नहीं रखेंगे, मैं तैयार हूँ, या तो आश्रम खुद ही चक्कू में मार के हमारा लगा देंगे, क्या कल कुछ भी कर देगी, बिल्कुल मरवा देगी, कल तो मरवाएगी, आज ये कर दिया कल तो कुछ भी कर सकती है। हाँ जी चलो हल्की कर लेते, मैं क्यों उठाऊंगा, दोनों बेटे उठाएंगे, मिलाऊंगा, मैं तैयार हूँ 50, बुलाओ 50, अगर वो 50 देगा तो मैं दूंगा। इनकी माता जी है ना? हाँ मेरी माता जी है। छोटे कैसे लग गए इतनी सारी? नहीं एक मिनट, इनके छोटे कैसे लग गए? आपको नहीं पता, आपके साथ नहीं रहती है, दूसरे की जिम्मेवारी उठाने के लिए आप वो बात नहीं कर सकते, वो उसकी मर्जी है, नहीं रहती है। अलग कमरा दिया, वो जो कह रहा हूँ अकेली कैसे, मैं तैयार हूँ।
तैयार हूँ, चोर को चोरी से डर लगता है, जब साफ हूँ तो क्यों बोलूँ। अभी आपको पहले एक जवान की बताई थी, एक औरत की औलाद मरी, हफ्ता हुआ था हफ्ता, अच्छा हुआ यही बोला, तवा क्यों उठाया, हम हाथ दिया गाड़ी में लेके कैसे लेकर। आप देख सकते हैं 12 नंबर पर कॉल करने के बाद यहाँ पर आनंद पर्वत थाने से पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और पुलिस जो है यहाँ से इनको लेकर के जा रही है, इनके माता जी को। गाड़ी है ना इनकी, जो PCR भी आ चुके हैं और ये दोबारा आएंगे तो इनको मारेंगे, कितना डर है इनको माता जी को। वही करवा रहे ना, वहाँ से करवा के देखते हैं, यहीं से करवा, आ जाओ आओ आओ आओ, कोई बात नहीं, ना परेशान हो, आ जाओ।